गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जी मैं तो खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी ये देख सकते हैं अप्रैल की कितनी अच्छी सुबह है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। आज मैं नीम के दरख्त के नीचे बैठी रही थी काम काज करके, तो नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद शावर हो रहा था और बाकी घर के सारे काम, क्योंकि आज मेरा सारा काम लॉन्ड्री का था, इसीलिए सुबह सुबह ही मैं इस तरफ आ गई थी नाश्ते के बाद। तो अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। ये आप देख सकते हैं, ये अभी मेरे कपड़े धोने वाले रहते हैं, ये हस्बैंड के कपड़े हैं, मशीन में लगा दिए थे, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये पर्दे, कल जैसा कि हमने घर की सफाई की थी तो पर्दे सारे जो हैं उतार के यहाँ रख दिए थे। अभी मैं सोच ही रही थी ना मशीन में डाल देती हूँ, कहीं ये इनकी क्लिप वगैरह टूट ना जाए, पर हैं तो स्ट्रॉन्ग, ऐसे पर्दे भी बहुत पुराने हैं, डर लग रहा था, फिर सोच रही थी मशीन में धो दूँ के हाथ से। अब देखती हूँ, ऐसे ही ईद की सफाइयाँ चल रही हैं और घर के काम काज चल रहे हैं। अब ये जो कपड़े हैं इन्हें मैं निकाल के तो तार पे लगा देती हूँ। और ये हस्बैंड का न्यू सूट है जो उस दिन हम लेकर आए थे ईद के लिए, ये सफ़ेद रह गया था टेलर के पास, ये कल आया था। कपड़े निकाल लेती हूँ, इसके बाद फिर देखती हूँ पर्दे मशीन में ही डाल दूँगी, कपड़े मैं तार पे लगा देती हूँ। कितने बुरे तरीके से उलझे होते हैं, जैसे रिश्तेदार आपस में लड़ रहे होते हैं, ये निकलते नहीं हैं यहाँ से। और आज सुबह सुबह काम देख के तो बिल्कुल दिल कर रहा था घर छोड़ के भाग जाऊँ, क्योंकि मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है इतने सारे काम देख के। वैसे फारग तो मुझे जितना मर्जी बिठा लो, खिला लो, पिला लो, वो सब तो ओके है, मेरे काम से ही मुसीबत है मुझे। नहीं जी, मैं तार पर कपड़े लगा देती हूँ। कपड़े मैंने सारे तार पे लगा दिए हैं, अब ये नाड़े हैं इनको भी लगाती हूँ, काफ़ी परेशान कर रहे थे। और बस अब इसके बाद मैं पर्दे धो देती हूँ। ये चाय बन के आ गई थी, मैंने ला के यहाँ रखी, अब हम चाय पीते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक मैंने विटामिन भी नहीं लिए हैं अपने, और जिस जिसने चाय पीनी है आके चाय पी लें। मैं तो काफ़ी थक गई थी, सुबह से काम कर रही थी इसलिए मैंने अपनी चाय बना ली है, तो जी मैं चाय पी लेती हूँ। कपड़े सूख गए थे, इन्हें उतार देती हूँ। आप देख सकते हैं ये मुझे कितना बड़ा पिंपल निकला है और ये बहुत पेन कर रहा है, यहाँ पे इस जगह पे ये ज़ख्म ही बन गया है, शायद बुखार रहा है इसलिए। ये हम भेज देंगे धोबी के पास, वो इन्हें इस्त्री कर देगा। ये तीन हो गए हैं, ये हो गया है। अब मैं चल के बाकी काम देखती हूँ। और पर्दे इसमें डाल दिए हैं, ये देखें, और इसे ऑन कर दिया है। मैं फर्स्ट टाइम पर्दे मशीन में धो रही हूँ, देखूँ क्या रिजल्ट आते हैं। पर्दे मैंने धो लिए हैं,
जैसा कि मैं ऑन करके छोड़ गई थी, पहले मैंने ना इन्हें थोड़ी देर के लिए सोक टाइम लगा के मैंने छोड़ दिया था, 20-25 मिनट के लिए। थोड़ा सा गर्म पानी शामिल किया था इसमें, सर्फ़ डाल के मैंने इसे छोड़ दिया था। ये बहुत ही अच्छे से जो है इनका मैल निकल गया था। फिर मैंने इन्हें टू रिंस करके धो दिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से धोया है, कोई भी इसकी ख़राबी नहीं हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये धागे वैसे ही इसके बहुत पुराने हैं। मैं सोच रही थी ये सिलाई खोल के ना तो इसके धागे निकाल दूँ, क्योंकि ये बहुत पुराने हो गए हैं और ये झड़ते रहते हैं कमरे में भी, ये कोई इतने अच्छे भी नहीं लगते हैं। वैसे ये कपड़ा बिल्कुल ठीक है पर्दों का, तो बस अब मैं इन्हें तार पे डाल देती हूँ, ये सूख जाएंगे। कोई भी लोकल सा धागा वगैरह लगा देते हैं जो कि ऐसे कपड़ों को ख़राब करते हैं। वैसे ही पर्दे बिल्कुल अच्छे हैं, अभी कपड़ा भी बिल्कुल ठीक है। काफ़ी दिन हो गए थे इनके फ़िल्टर क्लीन नहीं किए थे, मैंने सोचा ये कर देती हूँ। इनमें काफ़ी धागे आ गए हैं, उस दिन भी कुछ ऐसे ही कपड़े धोए थे मैंने। और ये इसकी ओपन साइड है और ये क्लोज है, और ये ऐसे ओपन होता है। ये सब धागे वगैरह हैं, इसीलिए मैं नए कपड़े धोऊं या पर्दे वगैरह कितने ज़्यादा हैं ये देखें आप ये सब इसमें चले जाते हैं। अब इन्हें मैं धो के अच्छे से साफ़ करके फिर दोबारा उसी में लगा दूँगी। हेलो जी, तो ये दोपहर का टाइम हो गया था और मैं अपने लिए अब तरबूज काट के इसे फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ी देर में खाऊंगी। फिर दोबारा से चाय वगैरह बनी, मैंने वही पी ली थी अपने लिए, तो बस अब मैं अपनी मील काट के रख देती हूँ। ये इतने मीठे तो नहीं हैं बट फिर भी सही हैं, जैसा कि रमजान का करके थोड़ा जल्दी आ गए हैं, थोड़े कच्चे लगते हैं इसीलिए, पर मील तो लेनी है ना। बाकी तो फ्रूट ख़त्म हो गए हैं मौसम, अब यही न्यू फ्रूट आ रहे हैं, चीकू आ रहा है, ये आ रहा है, बस इसे मैं काट के रख देती हूँ फ्रिज में। तो जी ये मेरी मील चल रही है, मैं मजाक कर रही हूँ, ये चीट मील हो रहा है, मैं लेस खा रही हूँ। ये ब्लैक सॉल्ट वाली मुझे बहुत पसंद है, मैं यही खाती हूँ। और उसके साथ आई है सब्ज़ी, और आज सब्ज़ी में बनेगा ऑर्गन मीट जो कि चिकन में होगा, और साथ में उसमें डालेंगे हम ये तुरई, या तुरी हम मिक्स करके इसका सालन बनाते हैं। बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और बस अब मैं सब्ज़ी की ही सफाई कर रही थी, बैठी थी यहाँ पर, अब सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन में चलती हूँ, तो मिलती हूँ आप सबसे। हेलो जी, तो शाम का टाइम हो गया था, मैं किचन में आ गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये सिरके वाले गर्म पानी में ऑर्गन मीट भिगो के रख दिया है। ये तकरीबन 20 मिनट से इस पानी में पड़ा है, अभी थोड़ी देर पड़ा रहेगा ये, तो फिर इसके बाद मैं सालन बनाने की तैयारी करती हूँ। आप देख सकते हैं किस कदर साफ हो गया है, ये देखें माशाल्लाह से। मसाला मैंने बना दिया था और इसमें डाल दिया ऑर्गन मीट, और ये लेंटरी है जो मैंने धो के काट के सुखा के रखी है, ये इसके बीच मसाले का काम करेगी। और हांडी मैंने चढ़ा दी थी ऊपर, चलते फिरते हांडी बन जाएगी, मैं बर्तन वगैरह वॉश कर दूंगी, और साथ में मैं लेती हूँ अपनी शाम की मील। ये आप देख सकते हैं, फिर मैंने ऑर्गन मीट भी डाल दिया था मसाले के बाद, और बेलतोरी भी, और ये कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया है। वैसे इसकी कढ़ाई भी मज़े की बनती है, मैंने उस दिन बनाई भी थी सिर्फ ऑर्गन मीट की कढ़ाई बोनलेस डाल के, वो भी बहुत मज़ेदार है, वो भी आप बना सकते हैं। पर इस तरह सब्ज़ी भी बीच में हो जाती है और रोटी खाने में काफ़ी आसानी रहती है। तो जी फाइनली सालन मेरा तैयार हो गया है,
और बिल्कुल फ्राई हो गया था, और धनिया और गरम मसाला मैंने इस पे डाल दिया है। ये मेरे सालन की फाइनल लुक।